देश कोरोना वैश्विक महामारी के चपेट में है और हालात यह है कि अब देश में दूसर लहर कोरोना की आ चुकी है और यह कोरोना में यदि सबसे ज़्यादा कोनो व्यवस्था में सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो वह रही शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था का लेकर सरकारों खूब चिंतित रही किंतु एकर सिर्फ एक विकल्प सामने आवा जो रहा ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई मतलब कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल के माध्यम से छोट बच्चा से लेके बड़े बच्चन तक की पढ़ाई। किंतु एक खबर जो है अभिभावक मतलब माता पिता जो कहा थी गार्जियन है उनके खातिर बेहद जरूरी खबर ही कि ऑनलाइन क्लासेस के चलते एक बच्चा का जो है 12 साल के लड़का का पोर्न ब्लू फिल्म देखे के लत लग गए और वह 6 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म करी। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सवैजनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद बड़ी खबर के कि यह खबर जो है वो लाखन माता पिता खातिर चिंता पैदा करने वाली है जिनकर बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई खातिर मोबाइल फोन के इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर में 5 दिन पहले गाँव के 12 साल के बच्चा के द्वारा 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म कीनगा। आरोपी बच्चा पीड़ित माँ पीड़िता के रिश्ते के भाई है। पुलिस के द्वारा शुक्रवार का बच्चा के पकड़ के निरुद्ध कर लीनगा। अब प्रारंभिक जांच में खुलासा यह भा कि बच्चा मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देख रहा और ओका यह लत ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान लग गए। ऐसा वीडियो देखे के बाद ओकर मानसिक सोच में नकारात्मक विचार आए और ओके बाद जो है छोटी उम्र में शर्मनाक घटना का अंजाम दे डारिस। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आवा है कि आरोपी कक्षा 6 के विद्यार्थी रहा। कोरोना काल के चलते 1 साल से स्कूल नहीं जा रहा और अपने पिता के मोबाइल फोन में पढ़ाई कर रहा। मोबाइल पर पढ़ाई करत करत वह अश्लील वीडियो के लिंक आवा जौने पर अनजाने में वह क्लिक कर दी। निश्चित तौर पर यह सब घटनाक्रम हमार अपना की आँखी खोले जैसा है और अपना प्रचंड बता दी कि अपने लड़का बच्चन पर यह निगरानी कैसा करी। तो ऐप के जरिए मोबाइल फोन में अगर बच्चा पॉर्न देख रहा है तो हिस्ट्री डिलीट करत जाना थो ही। ऐसा समय अपना कुछ खास ऐप्स के मदद से या जो है पूरी तरह से निगरानी रख सकी थे कि अपना के लड़का अपना के मोबाइल में कहा दिख रहा है। और निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह कि ऑनलाइन पढ़ाई माँ हम अपना का करी थे कि मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जो है दे दे थे वो अपन जीव छोड़ा ली थे तो वह जीव छोड़ाऊ जो है अपना के लड़का के भविष्य का बर्बाद कह रहा है। काहे कि यदि कक्षा में पढ़ाई होती तो वहाँ मास्टर देखा थे और जो है व्यवस्था के अंतर्गत वह पढ़ाई होती किंतु या ऑनलाइन पढ़ाई में लड़का अपना के मोबाइल में का कह रहा है का नहीं कह रहा है हमारे अपना के लगे तो देखे तैबे नहीं हुए जोड़े के चलते लड़का जो है गलत उनके दिमाग पर असर पड़ रहा है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और हालात यह है कि बच्चा बच्चा नहीं अब बच्चा बड़ा हो रहा है। ऐसे यह बात के विशेष तौर पर ध्यान रखी कि जब ऑनलाइन क्लास की तीर बच्चा का मोबाइल दे तो अपना निगरानी जरूर रखती नहीं तो वह बच्चा अपना के अपराधी बन सकत है। अपन बहुत ख्याल रखब अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद प्रणाम।